अमीर की गरीब दोस्त। हेमा और वंदना नाम की दो दोस्त थी। वंदना जो अपने माता पिता के साथ एक बड़े से घर में रहती थी, उसके माता पिता बिजनेसमैन थे। वंदना के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हेमा, जो वंदना के घर की थोड़ी ही दूरी पर एक छोटे से गांव में रहती थी, हेमा एक झोपड़ी में रहती थी और वह झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। वंदना और हेमा एक दिन गांव में लगे हुए मेले में मिलते हैं। उस दिन हेमा वंदना की मदद करती है। अरे, मेरी सैंडल कहीं मिल नहीं रही है, मैं बिना सैंडल के अपने घर कैसे जाऊंगी, कहाँ ढूंढूं मैं अपनी सैंडल। वंदना मेले में झूला झूल रही थी कि तभी झूले से उसकी सैंडल गिर जाती है और उसे वो सैंडल कहीं नहीं मिलती। वंदना की और भी सहेली उसके साथ थी, पर वो उसकी मदद नहीं करती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है, जो उसे सैंडल देते हुए कहती है, ये रही, यही ढूंढ रही हो ना आप। हाँ हाँ, मैं यही ढूंढ रही थी, तुम्हें कैसे पता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी सैंडल ढूंढने में मदद की। तुम्हारी ये सैंडल तुम्हारी सहेली ने छुपा दी थी, तब मैंने उसे देख लिया था, इसलिए मैं ये वापस ले आई ताकि तुम परेशान ना हो। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो। मैं यही पास की एक झोपड़ी में रहती हूँ, यहाँ मेरे पापा लोगों को झूला झुलाते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं तुमसे फिर दोबारा जरूर मिलूंगी। वंदना और हेमा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर उन दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं देखा था। अगले दिन जब वंदना स्कूल जाती है तो उसकी नज़र हेमा पर पड़ती है। वो भागकर हेमा के पास पहुंच जाती है। तुम इस स्कूल में पढ़ती हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चलो, बहुत अच्छी बात है, अब हम एक दूसरे से रोज मिल सकते हैं। हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने तो तुम्हें बहुत बार देखा है, पर लगता है तुमने ही मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगी, मैं वहाँ पर लंच लेने जा रही हूँ, हम दोनों बैठकर वहाँ पर बर्गर खाएंगे। हेमा बर्गर तो खाना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो सर ना में हिलाते हुए अपना मुंह नीचे कर लेती है। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अपने किसी दोस्त के साथ नहीं आई हूँ, और मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना है ना, दोस्ती के नाते तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वंदना और हेमा दोनों कैंटीन में बर्गर खाती हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो हेमा अपने पर्स में से चिल्लर पैसे देखने लगती है। अरे अरे, तुम पैसे मत दो, मैं पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने पैसे दे देती हूँ। देखो हेमा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे पापा गांव के मेले में झूला लगाते हैं और थोड़े बहुत ही पैसे कमाते हैं, तो तुम रहने दो, मैं दे देती हूँ पैसे, वैसे भी अब तो हम दोस्त हैं ना। हेमा पहले थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बाद में वंदना दोनों को पैसे दे देती है। इसी तरह हेमा की और वंदना की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे से घर पर भी मिलने लगते हैं। हेमा वंदना के घर पर अक्सर जाया करती थी क्योंकि हेमा के घर में खेलने के लिए खिलौने और खाने के लिए खाना मिल जाता था। वहीं जब भी वंदना हेमा के घर में आती थी तो हेमा के घर में ज्यादा खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, तो उन्हें मजा नहीं आता था, इसलिए वंदना हमेशा हेमा को अपने घर ले जाती थी और दोनों बहुत मस्ती करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन वंदना की माँ हेमा को देख लेती है। हेमा के सस्ते कपड़े जो जगह जगह से फटे हुए थे, ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। हेमा जब शाम को अपने घर वापस चली जाती है तो वंदना की माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुमने कैसे दोस्त बनाई है, तुम हमेशा इसके साथ घर में खेलती रहती हो, तुमने देखा नहीं उसके कपड़े कितने फटे हुए थे। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमारा स्टेटस देखो कितना ऊंचा है। तो क्या हो गया माँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी है और हमेशा मेरी मदद करती है। माँ आप ही तो कहती हो ना कि हमें किसी को छोटा नहीं सोचना चाहिए, फिर आज आप ये कैसे बोल रही हो। देखो बेटा, समय समय का फर्क होता है, अब हमारा स्टेटस हाई हो गया है, अगर हम इन छोटे लोगों के साथ उठेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। माँ लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसे दोस्ती नहीं तोड़ सकती हूँ। ऊंची आवाज में वंदना ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वंदना की माँ सोचती है कि कुछ दिन बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन समय वैसे ही बीतता जा रहा था। हेमा अक्सर वंदना के घर पर आती थी, दोनों पढ़ाई करते थे और साथ में खेलते थे। एक दिन वंदना की माँ हेमा को वंदना से अलग करने के लिए वंदना के फोन से हेमा को मैसेज कर देती है, हेमा मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, हमारा स्कूल भी खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि हम आगे कभी ना मिले, ये मेरा आखिरी मैसेज है, मेरे इस मैसेज पर गौर करना। वंदना की माँ ये लिखकर हेमा के फोन पर भेज देती है। अब दोनों का स्कूल भी खत्म हो गया था,
अपने कॉलेज की लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और हेमा अपने घर में अपने पापा और मम्मी की मदद करती है। हेमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे कॉलेज में पढ़ाई कर सके। काफी समय बीत जाता है और अब दोनों बड़ी हो जाती है। वंदना की शादी तय हो जाती है और वंदना अपनी सहेली हेमा को शादी में आने का निमंत्रण देती है। शादी के दिन हेमा वंदना की शादी में पहुंच जाती है। शादी में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए होते हैं, पर हेमा और उसकी बाकी सहेलियां वंदना की शादी में चार चांद लगा देते हैं। वो वंदना की मेहंदी में डांस करते हैं और उसकी माँ के कामों में मदद भी करते हैं। शादी कैसे यूं मजे मजे में निकल जाती है कि पता ही नहीं चलता। जब वंदना की विदाई होती है तब वो हेमा का फोन देख लेती है, जिसमें उसका मैसेज पड़ा हुआ था कि अब वो उससे कभी बात नहीं करेगी। ये मैसेज देखकर वंदना अपने मन में सोचने लगती है, ये मैसेज तो मैंने नहीं किया है, फिर मेरे फोन से ये मैसेज हेमा को किसने किया है? और उसके बाद भी देखो, हेमा ने मेरी बात का बुरा नहीं माना। मेरी शादी में इतनी काम की है और शादी में चार चांद लगा दिए। हेमा बहुत अच्छी है, मुझे लगता है ये माँ का काम है। वंदना ये सब सोचने के बाद अपनी माँ के पास बात करने के लिए जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आपको मेरी सहेलियाँ पसंद नहीं है ना, मैं उन्हें वापस भेज देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये तुमसे किसने कहा है? माँ अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपने मेरी सहेली हेमा को ये मैसेज क्यों किया है, मुझे जवाब दो। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर वंदना की माँ हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को क्या जवाब दे। वो अपने किए का पछतावा करना चाहती थी, इसलिए वो वंदना की सभी सहेलियों के सामने हेमा से माफी मांगते हुए कहती है, हेमा मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो मैसेज किया गया है वो मैसेज वंदना ने नहीं मैंने किया था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की दोस्ती तोड़ना चाहती थी, पर आज अगर तुम शादी में नहीं आती तो शायद शादी में वो रौनक नहीं रहती जो तुम्हारे आने से थी। आंटी आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कभी वंदना के बारे में गलत नहीं सोचा है, मैं तो बस उसके एक अच्छे दोस्त बनकर रहना चाहती थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हर माता पिता अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। इसके बाद वंदना की विदाई हो जाती है। वंदना की विदाई के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती है। इकलौती बेटी थी, शादी के बाद वंदना विदेश चली जाती है और उसकी माँ यहाँ अकेली रह जाती है। और अब हेमा वंदना की माँ से मिलने आती थी। और कुछ दिनों बाद हेमा की भी शादी हो जाती है। हेमा अपनी शादी में भी सबको बुलाती है और इस बार वंदना की माँ भी उसकी शादी में आती है और खुशी खुशी हेमा को विदाई देती है। बहुत समय पहले की बात है, समस्तीपुर के एक छोटे से गांव जहां आरती अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। आरती का घर बहुत छोटा था और कम जगह होने की वजह से आरती अपने घर में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी, जिस वजह से आरती अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में चली जाती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आरती अपना एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और वहाँ पर अपनी क्लासेस लेती है और अपनी पढ़ाई करती है। साथ में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में भी जाती है। 3 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद आरती का कॉलेज पूरा हो जाता है और वो अच्छे नंबरों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करती है। कॉलेज पूरा होने के बाद आरती कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करती है। पूरे बिहार के समस्तीपुर गांव में एक आरती अपने गांव से अकेली ऐसी लड़की थी जो कॉलेज के बाद भी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन बाकी लड़कियां शादी करके अपना घर बसा लेती है। ये सब देख रहे आरती के रिश्तेदार आरती के घर पर आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, अरे क्या करेगी लड़की अफसर बनकर, आखिरकार चूल्हा चौका ही संभालना है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में तुमने अपनी बेटी को अकेला भेज दिया, तुम गैर जिम्मेदार माँ हो। आरती अभी बहुत बड़ी तो नहीं है, 20 साल की लड़की है, तुम उसे अकेले कैसे भेज सकती हो? गांव की सभी लड़कियां अपना घर बसाकर अपने घरों में खुश है और तुम्हारी बेटी को देखो कितनी आवारा है। दीदी आप तो जानती ही हो, घर में बहुत सारे काम होते हैं और हमारा छोटा सा घर आरती की पढ़ाई में अड़चन डाल रहा था। मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मेरी बेटी सबसे अलग है और मैं चाहती हूँ अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करूँ। देख लो तुम्हारी मर्जी है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, हमारे बच्चे भी तो हैं, वो तो अपनी शादी करके अपने घर चला रहे हैं, तुम्हारी बेटी ही क्यों इतना पढ़ना चाहती है। दीदी इसमें दिक्कत ही क्या है, गांव की लड़कियां पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन हमारी बेटी पढ़ाई करना चाहती है, हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं,
इस गरीबी में हम उसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। अरे मेरा भाई तो जोरू का गुलाम बन गया है, मैं क्या कहूँ। सुनो जी, हमें चलना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद आरती के बुआ फूफा अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती अपने कमरे में रात दिन पढ़ाई करती, कभी लाइब्रेरी जाती तो कभी कमरे में पढ़ती। ऐसी ही वो अपना गुजारा कर रही होती है। आरती अपनी क्लास लेती और अपनी पढ़ाई करती। ऐसे ही रोजाना आरती अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती और रोजाना कुछ नया सीखती। भीड़ भड़ाके में रहने के बाद आरती को पता चलता है कि अकेली वो नहीं, बहुत सारी लड़कियां कंपटीशन में तैयारी कर रही है। सबको देखने के बाद आरती को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। धीरे धीरे आरती के दोस्त बन जाते हैं। और एक दिन की बात है जब आरती की दोस्त लक्ष्मी कहती है, चलो आरती आज तो हमें घूमने चलना चाहिए, वीकेंड पर हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन्हें बर्बाद कर सकूं। अरे पैसे की बात कहाँ से आ गई, मैं तो तुम्हें घूमने के लिए कह रही हूँ, पैसे मैं दे दूंगी। अरे मेरा भी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी क्योंकि मुझे तो रिवीजन में भी बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम सर पर है। आरती की बातें सुन रही पास में खड़ी लक्ष्मी की दोस्त नेहा कहती है, अरे किस पढ़ाकू से तुम बोल रही हो, तुम्हें पता है ना ये बहाने कर रही है, इसे हमारे साथ कहीं भी नहीं जाना। अरे नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस बार एग्जाम क्लियर करना है क्योंकि गांव में सभी लड़कियों की शादी हो रही है और अगर मेरा इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी भी शादी हो जाएगी। आरती जैसे तैसे बहाने बनाकर अपने दोस्तों को मना कर देती है। उसकी दोस्त घूमने जाती है लेकिन वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ती है। आरती इस तरह लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करती है और पूरे 15 दिन बाद उसके एग्जाम होने वाले होते हैं कि तभी उसके घर से उसको फोन आता है। बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और मैं इस बार ही अपने एग्जाम क्लियर करके रहूंगी। बेटा अपने ऊपर किसी बात का कोई प्रेशर मत लेना, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं और अफसर बनाना चाहते हैं। जी माँ। आरती अपने माता पिता की वजह से शहर में पढ़ रही होती है और इस बात का उसे बहुत गर्व होता है और वो अपनी पढ़ाई लगन और मेहनत के साथ करती है। और 15 दिन बीत जाते हैं और आरती का एग्जाम का दिन आ जाता है। आरती अपना एडमिट कार्ड लेकर केंद्र पर पहुंच जाती है और अपना पेपर बहुत अच्छे से देती है। पेपर देने के बाद आरती तुरंत ही गांव के लिए निकल जाती है और गांव पहुंचकर अपने माता पिता को अपने पेपर के बारे में बताती है। माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, मैं बहुत खुश हूँ, बाकी मेरा रिजल्ट बताएगा। वाह बेटी, तू हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। आरती गांव में अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटवाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। आरती अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और रिजल्ट आते ही आरती अपना रिजल्ट देखती है और रिजल्ट में अपना नाम देखकर बहुत खुश हो जाती है। थैंक गॉड मेरा पेपर क्लियर हो गया, अब मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करूंगी और अब मुझे 14 दिन की अकादमी में एडमिशन लेना होगा जो मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाएगी। हे भगवान, आज मेरी बेटी का पेपर क्लियर हो गया, अब मैं अपनी बेटी को कुछ बनता देखना चाहता हूँ। सभी बहुत खुश होते हैं लेकिन अकादमी में 14 दिन तैयारी करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। 14 दिन के पढ़ने के पैसे, रहने का खर्चा सब मिलाकर 30,000 रुपए बनते थे जो आरती के पिताजी के पास नहीं थे। ये बात सोचकर आरती के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और सोचते सोचते वो बड़बड़ा रहे होते हैं कि तभी आरती उनसे पूछती है, पिताजी आप अकेले यहाँ पर बैठकर क्या बोल रहे हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं बिटिया, कैसी परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस वैसे ही अपने आप से बातें कर रहा था। कुछ तो बात है पिताजी, आप ऐसे ही तो नहीं बात करते हैं। अपनी बेटी के इतनी बार पूछने पर आरती का पिता सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद आरती सोच में पड़ जाती है, हे भगवान 30,000 रुपए कहाँ से लाऊं, मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और 30,000 रुपए इकट्ठे कहाँ से देंगे और मैं क्या करूँ, मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी, इंटरव्यू की तैयारी में बहुत कम दिन है, अकादमी के बाद मुझे खुद भी तैयारी करनी होगी। आरती ऐसी ही परेशान होकर बातें करते करते चलती रहती है और घर से बाहर एक जंगल में पहुंच जाती है। ये सारी बातें बड़बड़ा रही होती है कि तभी अचानक आरती की नज़र नदी के बीच एक सुंदर पेड़ पर जाती है जो दिखने में बहुत आकर्षक होता है।
अरे ये सुनहरा पेड़, वो भी पानी के बीच, ये तो मैंने पहली बार देखा है। बल्कि मैंने नहीं, गांव में सब ये पेड़ पहली बार देखेंगे। बहुत सुंदर है ये, तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रही। आरती पेड़ को देखती ही रह जाती है कि तभी पेड़ में से आवाज आती है। आरती तुम मुझे बहुत देर से देख रही हो और तुम्हारा ध्यान पूरा मेरी तरफ है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे दिमाग की पूरी बात पढ़ ली। तुम बहुत टाइम से परेशान हो, मैं जानता हूँ। बोलने वाला पेड़ मैंने क्या किसी ने नहीं देखा होगा? लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो, तुम तो एक पेड़ हो ना? जैसे रास्ते में बहुत सारे पेड़ तुमने देखे लेकिन तुम कहीं नहीं रुकी, और मुझे देखा तो तुम रुक गई, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे जो देखता है वो यहीं पर रुक जाता है और देखता ही रह जाता है। किसी के मन में बहुत लालच होता है, वो मैं देखकर पहचान जाता हूँ, और कोई मजबूरी में यहाँ पर आता है वो भी मैं समझ जाता हूँ। अच्छा तो तुम जादुई पेड़ हो? हाँ सही पहचाना, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूँगा। लेकिन जो बहुत जरूरी इच्छा हो वही मुझसे मांगना। पेड़ की बातें सुनकर आरती अपनी सारी बात पेड़ को बताती है। पेड़ उसकी गरीबी को देखकर बहुत मायूस हो जाता है और उसकी इच्छा को पूरा करता है, उसे ढेर सारे पैसे दे देता है। पैसे देखकर आरती बहुत खुश होती है और पेड़ का धन्यवाद करती है। घर पहुंचकर आरती अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और सारे पैसे अपने पिताजी के हाथ में रख देती है। पिताजी मुझे इसमें से हॉस्टल का खर्चा और 14 दिन की फीस के पैसे दे दो बस, मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करके वापस यहीं पर आ जाऊंगी और फिर मैं यहीं से तैयारी करके अपने इंटरव्यू दे दूंगी। आरती के पिता उसको उसका खर्चा दे देते हैं पूरे 30,000 रुपए, और आरती उन पैसों को लेकर चली जाती है दिल्ली में इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले अकादमी के पास और अपना एडमिशन करवा लेती है, और फिर 14 दिनों तक वहाँ लगन और मेहनत के साथ पढ़ती है, और 14 दिन बाद अच्छी तैयारी के साथ अपने गांव वापस लौटती है और वापस अपने माता पिता का काम में हाथ बटवाती है, और कुछ दिनों तक घर में तैयारी करती है, और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। आरती का इंटरव्यू नजदीक आ जाता है, आरती अपनी ट्रेन की टिकट करती है और प्रयागराज जाती है, अपना इंटरव्यू देती है। आरती अपने पहले ही दिन अपना स्क्रीन में पूरा कर लेती है और अगले 5 दिनों तक वो वहीं पर रुकती है। आरती की एक भावना नाम की लड़की दोस्त बन जाती है। तुम कहाँ से हो आरती? मैं बिहार के समस्तीपुर गांव से हूँ, और मैं यहाँ आज अपने माता पिता की वजह से हूँ, जो रात दिन मेहनत करके मुझे यहाँ पहुँचाए हैं। तुम सही कहती हो, माता पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे की पढ़ाई में। मैं भी अपने माता पिता की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। 5 दिनों के इस कड़े इंटरव्यू में आरती अपनी दोस्त भावना के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू देती है और 5 दिनों बाद अपने गांव वापस लौटती है। 2 महीने बीत जाने के बाद मेरिट लिस्ट आती है और आरती अपनी मेहनत के हिसाब से उस लिस्ट में अपना नाम हासिल कर लेती है। अपना नाम लिस्ट में देखने के बाद आरती बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। घर में सबको अपने सिलेक्शन के बारे में बताती है। आरती के सिलेक्शन के बारे में सभी रिश्तेदारों को पता चलता है। धीरे धीरे सभी के कॉल आना शुरू हो जाते हैं। आरती कॉल पर रिश्तेदारों के साथ बिजी रहती है और सभी से आशीर्वाद लेती है। आरती की बुआ फूफा का भी मुंह बंद हो जाता है जब आरती ऑफिसर बन जाती है और ये खबर उन तक पहुंचती है। 2 महीने बाद आरती की ज्वाइनिंग होती है। आरती अपनी ज्वाइनिंग पर पहुंच जाती है। आरती के माता पिता बहुत खुश होते हैं और आरती अभी ज्वाइनिंग में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरती के रिश्तेदार अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और आरती से फोन पर माफी मांगते हैं। आरती के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। आरती अफसर बन जाती है और कुछ समय बाद अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लेती है, और जब आरती के पास सब कुछ हो जाता है तो वो दिल से पेड़ को धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने जिंदगी जीने लगती है। आरती के माता पिता आरती के साथ बहुत खुश होते हैं।